ये जी बताइए। सिया और राफी जी में क्या फर्क होता है? और ये दूसरा ऋषि सवाल ये है चुना कि जी दूसरा सवाल ये है कि हम सिया को डायरेक्ट काफिर बोल सकते हैं क्या? और ये तीसरा सवाल ये है कि एक सिया ने मुझसे सवाल किया था कि क्या सिया मुसलमान नहीं होते हैं, तो मुझे इसका जवाब नहीं पता था, तो इसका क्या जवाब दे सकता हूँ मैं? ठीक है जी जी शिक्षाबान। सीधी सी बात है, हम किसी को काफिर नहीं कहते ना, हम किसी को काफिर बनाते हैं, हमारा काम नहीं। लेकिन जो कुरान को, मैं किसी को काफिर नहीं कहता, जो कुरान को मुहर्रम मानता हो कि कुरान में तहरीफ हुई है वो काफिर है, जो अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा को मुसलमान नहीं मानता वो काफिर है, जो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु को काफिर मानता है वो काफिर है, जो सहाबा कराम रिजवानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन को काफिर मानता है वो काफिर है, जो अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु को काफिर और मुनाफिक कहता है वो काफिर है, जो खालिद इब्ने वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु को गालियां देता है उनको काफिर कहता है वो काफिर है, जो बदा का अकीदा रखता है कि अल्लाह भूल गया वो काफिर है, यानी जो इस तरह का अकीदा रखता है वो काफिर है। अब वो देख ले कि वो अकीदा उसके पास है तो वो काफिर है, और वो अकीदा उसके पास नहीं है तो काफिर नहीं है। ठीक है जी सर, रेहान भाई आपको जवाब मिला। जी सर, ये वाजे कीजिए कि से इसमें सिया और राफजी में क्या फर्क होता है? जी शिक्षाबान। देखिए, अलग अलग ये सवाल का जवाब मुझे देना पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन कभी रहते रहे होंगे हजरत अली रजी अल्लाह तआला अनु के जो शिया थे, जो असली शिया, हम उनको उनसे भी मोहब्बत है, जो मेरे मुआविया रजी अल्लाह तआला अनु के शिया थे, हमको उनसे भी मोहब्बत है, तो उस्मान हनानी रजी अल्लाह तआला अनु के शिया थे, हमको उनसे भी मोहब्बत है, तो शिया ने अली से हम मोहब्बत रखते हैं, शिया ने मुआविया से मोहब्बत रखते हैं, शिया ने उस्मान से मोहब्बत रखते हैं, शिया ने शेखैन से, सबसे हमको मोहब्बत है कि जिसने भी मदद किया उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु का साथ दिया, मेरे मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु का साथ दिया, अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का साथ दिया, अगर वो उस ग्रुप को छोड़ के, जो सबाई ग्रुप था, जो फितना परवर ग्रुप था, उस ग्रुप को छोड़ करके जो लोग भी उनके साथ थे, हम सबसे मोहब्बत करते हैं, और जो दूसरे लोग हैं जो गालियां देते हैं, अकीदा खराब रखते हैं, और राफिजी हैं, तो जो सहाबा को गालियां देते हैं, बदा का अकीदा रखते हैं, कुरान के बारे में अकीदा नहीं रखते, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमिजी, इमाम दाऊद को गालियां देते हैं, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी को काफिर बोलते हैं, मुनाफिक बोलते हैं, ये सब जो रखते हैं और आपसी हैं, और जिन लोगों ने अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का साथ दिया था वो शिया थे, तो थोड़े से इख्तलाफ की बुनियाद पे वो फिरका वाला वाराना जो ग्रुप था उसको छोड़ करके, तो ये फर्क है शिया और आपसी में। बहुत अच्छा, ठीक है, उम्मीद करता हूँ रेहान भाई आपको जवाब मिला होगा। और इसमें ये बात भी है कि तकिया की वजह से कभी कभार जो किसी अकीदे, ये इस फिरके के अकीदे के जो बड़े उलमा हैं, वो जो अकीदा रखते हैं वो ज़रूरी नहीं है नीचे तक हर शख्स को पता भी हो, क्योंकि जो उनके और करीब आएंगे वो उन्हें अपने अकायद और वाज़े तौर पर खोल खोल के बताते जाएंगे, जितना वो उनकी बात जितना ज़्यादा यानी वो और करीब आएंगे। तो हम ये देखते हैं कि ये वजह भी एक वजह है जिसकी वजह से यानी मुतलकन सारे के सारों को की तकफीर नहीं की जाती है कि सब के सब तक काफिर हैं, ऐसे नहीं कहा जाता है। बाज़ अकीदा जो लोग रखते हैं ये इस तरह के अकायद, तो वो अकीदा रखने वाला काफिर है, ये बात जो शेख शाबान ने बताई। अब इसके अंदर एक और बात है कि बाज़ औकात कोई ऐसा काम होता है जो बताया जाता है इस तरह से, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी हो सकती है कि एक एक मुतय्यन शख्स की जो कह रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह, जो कह रहा है मैं मुसलमान हूँ, तो उसकी तकफीर में कुछ रुकावटें, हम लोगों ने खास स्ट्रीम की थी इस मौजू पर, कि जिसके अंदर कुछ रुकावटें बैरियर्स है काफिर कहने में, तो वो बैरियर्स यहाँ भी है। हाँ यहाँ भी है, और शेख शाबान ने उसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आए। iPlus TV ने एक नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तलाफी मसाइल पर वीडियोज आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकअल्लाह खैर, वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।